जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है वरुण ब्लॉग आर एस राइडर। तो आज है संडे, तो क्योंकि हमने संडे के दिन डिसाइड किया था कि जो संडे आएगा हम राइड पे जाएंगे, क्योंकि दो तीन दिन पहले हमने प्लान बनाया था कि किशनगढ़ डंपिंग यार्ड घूमने का। तो आज है संडे, तो अभी तैयार होकर निकलते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें, इससे भाई को मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे नए नए ब्लॉग आते रहेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक जरूर करें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं राइड पे और मैं तैयार हो लेता हूँ, फिर निकलते हैं अपन। तो गाइस, अब निकलने की तैयारी है और ये हनी डोन है, हनी पार्को। अभी चलते हैं अपन। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद में आज मौका मिला है घूमने का, तो आज निकले हैं हम ट्रिप पे। और अब उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हम निकल चुके हैं घर से और सीधा वो हाईवे पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल डलवा के फिर सीधा निकलेंगे अपन। गाड़ियाँ तो रुकी हुई, क्या करूँ मैं, कुछ आई सब्सिडी कुछ। तो सुबह सुबह भजन लाल जी सी एम साहब आते हुए किसी चक्कर में रोक रही थी। गाइज, हम लोग अभी यहाँ पे अजमेर रोड पे आ चुके हैं किशनगढ़ के पहले, और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और थोड़ी देर में डंपिंग यार्ड जाएंगे। और ये है हनी सिस्टम।
गाइस हम लोग आ चुके हैं, हम डंपिंग यार्ड में पहुंच चुके हैं और अभी देखो थोड़ी देर में आपको व्यू दिखाते हैं। देखो चारों तरफ से क्या व्यू है, एकदम देखने लायक व्यू है। तो गाइस ये अजमेर से काफ़ी पहले पड़ता है किशन के डंपिंग यार्ड और यहाँ पे एकदम देखने लायक नज़ारा होता है और यहाँ पे ज़्यादातर फोटोशूट भी होते हैं, जो वेडिंग शूट होते हैं वो ज़्यादातर यहीं होते हैं। यहाँ पे गानों की शूटिंग भी होती है और यहाँ पे अभी हम घूमने आए हैं तो हनी को हॉर्स राइडिंग करनी है, तो हॉर्स राइडिंग का चार्जेस है 100 रुपये। फोटोशूट भी हो चुका है हमारा और अभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, तो थोड़ी देर में हम निकलते हैं। पहले हम यहाँ पे मिलेंगे हमारे फ्रेंड की दीदी से, तो उनसे मिलके फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ से निकलेंगे, फिर चलेंगे अजमेर की तरफ। अजमेर में आपको वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं, वहाँ पे बोटिंग करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको, तो बने रहें ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं और जिया जी भी आ गए हैं और ये दीदी भी आ गई है, इनसे मिल लिए हम और इनसे मिल के अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, तो अपन चलते हैं यहाँ से। ठीक है, आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ आएँ तो फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट के लिए सबसे अच्छी प्लेस है, अच्छी जगह है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूम सकते हैं, अच्छे से देखने लायक चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप जरूर विज़िट करें। ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड है जो अजमेर से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो गाइस अभी हम पार्क में आ चुके हैं, ये है अजमेर का नदी के अनासागर झील वाला पार्क और अभी यहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, देखते हैं जैसा कि आप लोग व्यू आता है। और
नहीं तो बन गया पूरा ही मजदूर बन गया। लो मोटर बोट का दे दो, कैमरा लाओ कैमरा निकाल, फोटो खींचो तारी, आ जा तो हमारा काम यहाँ पे आना हुआ था, वो हो चुका है। आज अभी यहाँ पे निकल गए क्योंकि अब हमारे तो बहुत पिछड़ा चक्कर हो चुका है। हम जा रहे हैं की तरफ, उनके तरफ खाना चाहेंगे, जिससे पहले खाना खाना है, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे डॉक्टर की तरफ और डॉक्टर कोचिंग और कोचिंग में समथिंग समथिंग 5 से 7 बजे तक होते हैं। ठीक है, चल रहे हैं एग्जिट की ओर। अरे यार कौन पा गई
तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए ब्लॉग में। स्टे ट्यून, जय श्री राम, राधे राधे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके, बाय।